प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के वायनाड में हवाई सर्वेक्षण के दौरान भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र का लिया जायजा। प्रधानमंत्री ने भूस्खलन की वजह के बारे में पूछा, साथ ही भूस्खलन में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इलाकों पुचीरिमित्तम, हुंडकई और चूरलमाला के हालात का भी लिया जायजा। मुख्यमंत्री पी विजयन भी उनके साथ रहे मौजूद। ब्राजील के साओ पाओलो के समीप एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण करीबन 62 लोगों की हुई मौत। विमान अचानक से हवा में घूमने लगा और अनियंत्रित होकर तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। जहां विमान गिरा वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, साथ ही विमान के गिरते वक्त उसमें से तेज लपटें और धुएं का गुब्बार उठा। तनावपूर्ण हालातों के बीच बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की कोशिश को बीएसएफ ने किया सफल। घुसपैठ में थे करीबन 1000 लोग जो बांग्लादेश के लाल मुनिरहाट जिले में सीमा से करीब 400 मीटर की दूरी पर एकत्र हुए थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जालंधर लुधियाना में इंजीनियरों और ठेकेदारों पर कथित हमलों की घटनाओं का हवाला दिया। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि अगर राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति सही नहीं होती तो NHAI के 8 और परियोजनाओं को किया जा सकता है रद्द। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से रिहा होने के एक दिन बाद गर्मजोशी के साथ पार्टी मुख्यालय पहुंचकर आप कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। इस दौरान सिसोदिया भाजपा पर हमलावर नजर आए और विपक्षी दलों से एकजुट होकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी किया आह्वान। उत्तराखंड के देहरादून में एक पुलिसकर्मी की दबंगई आई सामने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां पुलिसकर्मी ने बाइक सवार से हल्की टक्कर लगने पर पहले तो उसे मुर्गा बनाया, फिर हाथों के बल चलवाया। बता दें, इसमें कार्रवाई करते हुए कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली के साथ लगते यूपी के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहे मुसलमानों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर पीट डाला। उन्होंने इस दौरान कई झुग्गियों में तोड़फोड़ की और आग तक लगा डाली। बता दें, मारपीट के इस घटनाक्रम के दौरान कई लोग चोटिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया भाजपा मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस पर आक्रामक हुए। भाटिया ने जहां राहुल गांधी पर कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस द्वारा किए गए चुनावी वायदों को पूरा न करने के आरोप जड़े, वहीं उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी कांग्रेस को घेरा। हरियाणा के पानीपत में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 4 कथित आरोपियों को किया गिरफ्तार। इन आरोपियों में होटल का मालिक भी है शामिल। एक होटल में दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को दिया था अंजाम। बिहार में पूर्णिया जिले के नगर प्रखंड सौरा नदी में पेश आया एक बड़ा हादसा। नाव के नदी में तेज बहाव में बह जाने के कारण दर्जनों लोग पानी में डूबे और कई वाहन भी बताए जा रहे हैं लापता। ताज़ा तरीन जानकारियों और खबरों के लिए अर्थप्रकाश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।